मुंबई की विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राज्य के पूर्व गृह मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को नागपुर जोन की अनुमति दे दी है। इसके बाद अनिल देशमुख करीबन 1.5 साल बाद नागपुर पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों का वर्षाव करके बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे विदर्भ के अनिल देशमुख इनके समर्थक में नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। ढोल बजाकर बड़े ही गर्मजोशी के साथ अनिल देशमुख का स्वागत किया गया। वहीं समर्थकों द्वारा दिए गए टाइगर इज बैक, अनिल बाबू आगे बढ़ो, असत्य पर सत्य का विजय जैसे अनेक नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। तो वहीं समर्थकों का उत्साह देखते ही नहीं बन रहा था। अनिल देशमुख द्वारा सभी समर्थकों को हाथ दिखाकर अभिवादन किया गया। वहीं एयरपोर्ट से ही कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल ताशों के साथ विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान देशमुख वर्धा रोड स्थित साई मंदिर में दर्शन के लिए भी पहुंचे। इसके बाद बर्डे स्थित गांधी स्मारक और संविधान चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अभिवादन किया। फिर GPO चौक होते हुए अनिल देशमुख अपने घर पहुंचे। अनिल देशमुख जेल से रिहा होने के बाद पहली बार नागपुर आए, उसके लिए हमने देखा कि कार्यकर्ताओं का जोश जो है दिखाई दिया। बड़े उत्साह के साथ कर्म जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा जो है NCP के पदाधिकारियों द्वारा अनिल देशमुख इनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। फूलों से उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही ढोल नगाड़े बजाए गए और बड़ी संख्या में पूरे विदर्भ और पूरे जो नागपुर जिले से जो यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे थे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।